केरला के कुफरी में चौथा एप्पल कॉन्क्लेव का भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई ने किया आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा और सीआईआई हिमाचल के अध्यक्ष गगन कपूर रहे मौजूद। इस दौरान हिमाचल के सेब उत्पादक और बागवान भी मौजूद रहे और अपनी समस्या व सुझाव मंत्री के समक्ष रखे, जिसमें किलो के हिसाब से सेब की खरीद, यूनिवर्सल कॉटन व अन्य समस्याएं मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने बागवानों को आश्वस्त किया क्योंकि सुझाव को सरकार अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगी। ये जो फोर्थ एप्पल कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो हमारा हिमाचल इकाई है, उन्होंने इसका जो है यहाँ पर आयोजन किया है और इसमें इन्होंने प्रदेश के जो बागवान हैं उनको इस सम्मेलन में सबको आमंत्रित किया है। और अभी तो ये इनॉग्रल सेशन था, इसके बाद जो है इनका आगे जो भी कार्यक्रम है वो चलना है, जिसमें प्रोमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस एप्पल इंडस्ट्री के, वो जो है आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्याएं हैं एप्पल इंडस्ट्री को लेके उसके बारे डेलीब्रेट करेंगे। जहां तक प्रदेश सरकार का मैंडेट है कि हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है फल राज्य के रूप में विकसित करना है, और चाहे हमारा टेम्परेट एरिया है चाहे सब ट्रॉपिकल एरिया है, हर दोनों जगह पर जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके, चाहे एप्पल का है चाहे सीट्रस का है, उसमें बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फल का उत्पादन प्रति हेक्टर जो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से लेना है, उसके लिए हमें जो है नए प्रोजेक्ट्स और लेने पड़ेंगे, और क्लीन प्लांट्स जो है डिसीज़ फ्री प्लांट है मटेरियल उसकी तरफ जाना पड़ेगा। सर, क्या वजन के हिसाब से जो सेब खरीद, वो तो हमने जो है फैसला कर लिया है, नोटिफाई भी कर लिया है कि इस बार जो एप्पल का जो ट्रेडिंग होगा या किसी भी फ्रूट का जो ट्रेडिंग होगा वो वेट के हिसाब से होगा। सर, कुछ ग्रोवर्स ने जो है कुछ सुझाव आपको दिए है कि लैब टेस्टिंग नहीं है, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, कब तक सिंचाई की भी बात यहाँ पर कही गई है? जो हाई डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसमें बिना इरिगेशन के वो जो सस्टेनेबल नहीं है, उसके लिए जो हमारा SDP है उसमें भी जो है इरिगेशन का एक जो है कंपोनेंट है जिसके ऊपर काम हुआ है, परंतु कितना सक्सेसफुल है उसका मूल्यांकन करना है। परंतु जो शिवा प्रोजेक्ट है उसमें हमने जो कमियां थी SDP में, उन कमियों को दूर करके वहां पर जो है सस्टेनेबल और पूरा जो है एक इरिगेशन का सिस्टम मिले उसका जो है उस प्रोजेक्ट में डाला है। वहीं बागवालों ने कहा कि यूनिवर्सल कॉटन 24 किलो से 20 किलो स्टैंडर्ड साइज बनाया जाए और बागवानों के मसलों को सरकार जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करे, ताकि सेब उत्पादक में बढ़ोतरी हो, जिससे सेब बागवानों व सरकार को मुनाफा हो सके। देखिए, आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है कि आप हमारी बात हमेशा रखते आए हैं, और आज का जो CII के द्वारा यहाँ पर एक कॉन्क्लेव रखा हुआ है, इसमें हम सब लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, खासकर बागवानों का। हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी 5,000 से 6,000 करोड़ की है, और जो ये CII की टीम है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पर या और लोग हैं, 6,000 करोड़ में कम से कम जो है 1,500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन की, यानी अगर हम 6,000 करोड़ की कमाई करते हैं तो 1,500 करोड़ CII के माध्यम से, चाहे उसमें एप्पल बॉक्सेस है, एप्पल ट्रेज है, चाहे आपके स्टेपिंग क्लिप्स है, स्टेपिंग रोल्स है, चाहे हमारा पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो हम कमाते हैं उस पैसे का ट्रांसफ़र जो है CII को होता है, उनकी टीम को होता है। और हमारा मानना यह है कि जब हम थोड़ा इकट्ठे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो हमारा हो सकता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे कम होगी, और जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर जा सकते हैं, दवाइयाँ हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकती है, और पैकेजिंग मटीरियल हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकता है। इस कॉन्क्लेव में जो है हम ये सारी चीज़ें निकल के आएगी। और आज तो मंत्री महोदय यहाँ आए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की है, जिसमें कन्फ्यूजन बागवानों को बनी हुई है, खासकर अभी टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल कार्टन जो 24 किलो की कन्फ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, और किस तरह से वो रोकी जाएगी, और 24 किलो किस तरह से, मान लीजिए मुझे दूसरे राज्य में सेब भेजना है तो सरकार उसे कैसे रोकेगी, किस तरह उसको उसका प्रावधान करेगी। आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम STMs के माध्यम से